السلام عليكم. اب ये इस लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट है. इसमें सर ने एक एड्रेस बुक का एग्जांपल दिया हुआ है. एड्रेस बुक मतलब जिसमें हम नाम और उसका नंबर एड्रेस लिखते हैं, इस तरह का छोटा सा एप्लीकेशन है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मेरे सर ने वार्निंग दी है कि आप कोड को खुद टाइप करो, अगर कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको एरर्स आएंगे. तो कोई बात नहीं. अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊं कि मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं विलेज बॉय हूं, विलेज में रहता हूं, या तो ना बिजली है सही तरह से और ना नेट की फैसिलिटी. वो भी हुकूमत ने जानबूझकर स्पीड स्लो कर दिया और मैं वीडियो शेयर करके अपलोड करता हूँ. तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो और शेयर करो वीडियोस को, ताकि मैं फाइनेंशली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाऊँ, ताकि इसका मुकाबला कर सकूँ, वरना मैं भी लास्ट में हार मान जाऊँगा. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि वी वॉन्ट टू बिल्ड एन एड्रेस बुक दैट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग नेम एड्रेस फोन नंबर ऑफ अ पर्सन. ठीक है, एड्रेस बुक प्रोवाइड फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ जे ऑप्शन पेन बेस्ट मेन्यू द फ्यूचर लिस्ट इंक्लूड. इसमें ये फ्यूचर है, ऐड करना, डिलीट करना, सर्च करना और एग्जिट. तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको शुरू से वन बाय वन लिखूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती तो मैं एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल को कॉपी करूँगा और एरर्स को देखेंगे क्या एरर्स है. एड्रेस बुक शुड ऑल्सो सपोर्ट प्रिसिस्टेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्ड अप्रोच फॉर सॉल्व प्रॉब्लम. बिल्डिंग अ स्मॉल एड्रेस बुक जर्नल इन वो थ्री स्टेप, लेट अस ब्रीफली डिस्कस ईच स्टेप, राइट सोल्यूशन कोड फॉर ईच स्टेप. इसमें तीन स्टेप हैं इस एप्लीकेशन बिल्डिंग में. पहला स्टेप है मैं पर्सनल क्लास. पहला स्टेप में हम पर्सनल क्लास को क्रिएट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टोर डिजाइन इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पर्सन. फॉर दिस यू कैन क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास. मेक अ क्लास पर्सन इन्फो नेम एड्रेस. चाहे कह रहा है कि पहले पर्सनल इन्फो का क्लास बनाओ, उसमें नाम एड्रेस और फोन के एट्रीब्यूट डालो. Write parameterized constructor for this class and print method in person class that display one person record on a message dialog box. ये कह रहा है कि एक constructor parameterized constructor बना और एक print का method. ये class का code है, मैं इसको copy कर देता हूँ. कंट्रोल एन कंट्रोल ई, फिर इसको कॉपी कर देता हूँ उस क्लास के नाम को. और आप लोग थोड़ा वेट करो, मैं ड्रॉप बॉक्स पे इसको अपलोड करूँगा सारे फाइल्स को जब मौका मिल जाए. ठीक है, तो ये इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें क्या एरर है. क्लास नेम एड्रेस फोन नंबर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो नाम एड्रेस और फोन को रिसीव करेगा और फिर इसको सेट करेगा. हाँ, ये तो यहाँ पे प्रॉब्लम है डबल कोट्स में. इसके बाद बाकी कोड ठीक है. मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ. 11C जावा सी डॉट जावा. हो गया कंपाइल, कुछ एरर नहीं है. दूसरा क्लास कौन सा है? टेक द एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ जर्नल
एड्रेस बुक इज यूज्ड टू स्टोर मोर देन वन पर्सन अकॉर्डिंग टू वन नोट। अच्छा, ये कह रहा है कि रियल लाइफ में जो एड्रेस बुक होता है उसमें हम पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन का डेटा स्टोर करते हैं और हमें एडवांस में नहीं पता कि कितने हम ऐड करेंगे। सो वी नीड टू सम डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन हेल्प अस इन स्टोरिंग मोर देन वन पर्सन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसर्निंग अबाउट साइज। ये कह रहा है कि हमें इतना ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो एक से ज़्यादा पर्सन को स्टोर करे और हमें साइज का कुछ फर्क ना पड़े या कुछ टेंशन ना ले। तो इसके लिए हम अरे लिस्ट कैन बी यूज टू अचीव द अबव फंक्शनलिटी। इसके लिए हम अरे लिस्ट बनाएंगे, क्रिएट अ क्लास एड्रेस बुक, एक क्लास बनाएंगे एड्रेस बुक के साथ से विद इन अरे लिस्ट इट्स एट्रीब्यूट। अच्छा, दिस अरे लिस्ट विल बी यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पर्सन। अब हम एक एड्रेस बुक का क्लास बनाएंगे, इसमें एक अरे लिस्ट होगा जो पर्सन के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पर्सन इन्फो ऑब्जेक्ट। दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एड पर्सन, डिलीट पर्सन एंड सर्च पर्सन मेथड। इसमें इस क्लास में ये तीन मेथड्स होंगे। दिस मेथड आर यूज टू एडिंग न्यू पर्सन रिकॉर्ड, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग पर्सन रिकॉर्ड by name and searching among the existing person by person records by name respectively। अच्छा, इसमें हम ये फंक्शन ऐड करेंगे जो पर्सन रिकॉर्ड को ऐड करेगा और फिर सर्च करेगा नाम से पर्सन के नाम से सर्च करेंगे। इसमें इनपुट आउटपुट विल बी परफॉर्म थ्रू जे ऑप्शन पेन। इनपुट आउटपुट डायरेक्शन पेन को के थ्रू शो होंगे हमें। ये एड्रेस बुक का कोड है। ये ऑप्शन पेन मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको और क्रिएट किए थे हमने लास्ट वीडियोस में। तो इसको एंड क्लास तक कॉपी कर दूं मैं, एक न्यू फाइल बना कंट्रोल एन से कंट्रोल वी। अब इसका नाम क्या है, फिर मैं इसको चेंजेस में करूँगा। एड्रेस बुक, ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल वी डॉट जावा। इसमें हम ये कॉपीराइट वगैरह ये रिमूव कर दो, 506 का जो और ये रिमूव कर दो। अच्छा, तो ये हो गया अरे लिस्ट, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये हो गया अरे लिस्ट। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये भी हो गया, ये शायद ये जो एरर आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, एरर नहीं, इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये हम रिमूव कर देते हैं। इसका जो टाइप हैंटिंग होता है जो इसको बता रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, तो इसके साथ हम चेक कर देंगे। चलो बस इसको उनके लिए रिमूव कर लो, फिर ये
वार्निंग हम कभी देख लेंगे कि किस चीज का वार्निंग है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्लास कौन सा है? अच्छा, ये फंक्शन कह रहा है कि जो एट परसन मेथड है वो फर्स्ट इनपुट नेम लेगा, दूसरा एड्रेस के लिए और तीसरा फोन नंबर के लिए। देन कंस्ट्रक्ट पर्सन इन फॉर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग रेसिंग टेक इनपुट वैल्यूज। फिर एक पर्सन इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको ये वैल्यूज असाइन करेंगे। देन दी न्यूली कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इज एडेड टू द अरे लिस्ट पर्सन। फिर वो ऑब्जेक्ट पर्सन में आ जाएगा जो पर्सन इन्फो का है। सर्च पर्सन एंड डिलीट पर्सन मेथड आर यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी। सर्च और डिलीट सेम मेथड्स अप्लाई करेंगे, सेम तरह का काम करेंगे। फर्स्ट दे सर्च द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड बाय नेम एंड देन प्रिंट्स एज हर डिटेल या डिलीट द रिकॉर्ड परमानेंटली फ्रॉम द अरे लिस्ट। सर्च और डिलीट फर्स्ट तो जो नाम हम देंगे उस पर सर्च करेंगे, अगर वो डिलीट का फंक्शन हो तो उसको डिलीट कर देंगे रिकॉर्ड को, और अगर सर्च का फंक्शन हमने हिट किया हो तो हमें रिकॉर्ड शो कर देगा। बोथ आर मेथड्स आर टेकिंग टेकिंग स्ट्रिंग आर्गुमेंट। बाय यूजिंग दिस कैन परफॉर्म दियर सर्च और डिलीट ऑपरेशन। ये जो सर्च और डिलीट का फंक्शन है ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा, जो नेम स्ट्रिंग होता है तो उसके बाद वो सर्च का या डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वी यूज फॉर लूप फॉर इटरेटिंग द होल अरे लिस्ट। ये जीरो से स्टार्ट होगा ये अरे लिस्ट, इसलिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। बाय यूजिंग द साइज मेथड ऑफ अरे लिस्ट वी कैन कंट्रोल और लूप एज आर अरे लिस्ट इंडेक्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू लेस देन दी साइज। ये वही फंक्शनलिटी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, वही जीरो से स्टार्ट करना और एक उससे कम हो तो फिर रुक जाए, तो वो सब वही है। नोट एज एन इनसाइड लूप वी रिट्रीव ईच पर्सन एंड फॉरगेट बाय यूजिंग डाउन कास्टिंग ऑपरेशन। आफ्टर डेट वी कंपेयर ईच पर्सन ऑब्जेक्ट नेम बाय दी वन पास टू दीज मेथड्स यूजिंग इक्वल मेथड। सेंस स्ट्रिंग आर ऑलवेज बींग कंपेयर्ड यूजिंग इक्वल मेथड। ये कह रहा है कि लूप के अंदर हम पर्सन का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करते हैं और फिर डाउन कास्टिंग करते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं इक्वल मेथड्स के साथ कि जो नाम हमने दिया था वो इसके साथ इक्वल है कि नहीं है, मैचिंग कर रहा है कि नहीं है। इनसाइड ए ब्लॉक ऑफ सर्च पर्सन प्रिंट मेथड इज कॉल्ड। यूजिंग प्रिंट इन्फो ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले पर्सन इंफॉर्मेशन ऑन जीयूआई। ये कह रहे कि ब्लॉक में जो पर्सन का नाम मतलब मैच हो जाए तो इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ब्यूटीफुल सा वो अलर्ट होता है वो जीयूआई में आता है। ऑन दी अदर हैंड इनसाइड ए ब्लॉक ऑफ डिलीट पर्सन मेथड रिमूव मेथड फ्रॉम अरे लिस्ट इज कॉल्ड। इट इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द पर्सन। तो दूसरे ब्लॉक में भी फिर डिलीट का एक फंक्शन होगा जो रिकॉर्ड डिलीट करेगा। अब ये हम जब प्रोग्राम देखें तो ये सब समझ आ जाएगा, थ्योरी से फिजूल सी होती है। तो थर्स्ट अब ये कि हम अब टेस्ट क्लास बनाएंगे। फर्स्ट में तो हमने इन्फो बनाया था, दूसरे में बुक और थर्ड में टेस्ट क्लास बनाएंगे। दिस क्लास विल कंटेन मेन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट एड्रेस बुक। इस टेस्ट क्लास में एक मेन मेथड होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा एड्रेस बुक का। बिल्ड यूआई बेस्ड मेन्यू बाय यूजिंग स्विच सेलेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें एक ग्राफिकल बेस्ड मेन्यू होगा जो हम इसके लिए स्विच सिस्टम स्विच जो सिलेक्शन है वो हम परफॉर्म करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कॉल अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एड्रेस बुक क्लास। ठीक है, वी कॉल फॉर टेस्ट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ टेस्ट को।
टेस्ट के नाम से तो ऑलरेडी है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कर देता हूँ रन बुक डॉट जावा। इसको भी ये तो पहले ये रिमूव कर दो, तो ये हैंडआउट्स के लिए रन बुक ठीक है। फिर मेथड वगैरह चलिए, पहले मैं चेक करूँ जो एरर्स हों मैं इसे रिमूव कर दूँ, फिर मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वीडियो शायद लंबी हो गई है, तो क्यों ना नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो प्रोग्राम है इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो स्किप कर दो इसको। ये सब कुछ हो गया, अगर मैं पहले इसको रन करता हूँ फिर कोई एरर ना हो, फिर वीडियो को स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसकी फंक्शनलिटी देखेंगे हम। हाँ कंपाइल हो गया तो सब कुछ ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका फंक्शनलिटी किस तरह काम करता है।